एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 57,000 के आसपास इम्प्रेशंस है लास्ट 3 मंथ्स के। मैं ये डेटा थोड़ा सा 28 डेज पे लेके जाता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और 11:07 हो चुके हैं एंड मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको पता होगा मैंने लास्ट एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप होती है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे ग्रो होती है, कस्टमर्स कैसे आते हैं और उसका SEO से लेकर सब कुछ मैंने उस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं एक्सक्लूसिव अपना खुद का एंड उसकी ग्रोथ कैसे मिलती है, जो रियल ग्रोथ होती है। 3 महीना एक्सपेरिमेंट करके उस पर एफर्ट लेके मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कितनी ग्रोथ होती है एक्चुअल में और कितना हमें रिजल्ट आता है। जिस वीडियो के बारे में मैंने डिस्कस किया अभी जस्ट अपने इस वीडियो में कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ में, बट वो वीडियो मैंने पब्लिश इसलिए नहीं किया बिकॉज वी आर ऑन द एक्सपेरिमेंटिंग पाथ। हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअल में कन्वर्जन कितना होता है। बेसिकली जो इंक्वायरीज का रेशियो है वो है 15-20-25 तक वो जो इंक्वायरीज है जनरेट होती है वेबसाइट से प्लस यूट्यूब से प्लस जो अदर सोर्सेस है हमारे वहाँ से लाइक यूट्यूब व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स। सो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है जो हमारी वेबसाइट है computerbaba.co.in उसकी। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 57,000 के आसपास इम्प्रेशंस है लास्ट 3 मंथ्स के। ये डेटा थोड़ा सा 28 डेज पे लेके जाता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। ये है 41,300 41,000 के आसपास इम्प्रेशन आ रहे हैं, उसमें से आप अगर देख पा रहे हो कि सिर्फ 281 क्लिक्स निकल के आते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी बहुत चौंकाने वाला लगा था कि यार इतने लोगों के इम्प्रेशन अगर आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 281 क्लिक्स आते हैं, ये बहुत ही शॉकिंग था। कितना कम रेशो हो गया ये, आई मीन 1,000 के आसपास 2,000 के आसपास तो एटलीस्ट आने चाहिए थे, तब जाके तो कन्वर्जन निकलता। तो ये जब मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम लगता है इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए एंड ये जो आप जो रिजल्ट अभी देख रहे हो ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें हम लोगों ने एक रुपये भी खर्च नहीं किया। तो ये आगे जाके 8 महीने में ये 1,00,000-2,00,000 के आसपास इम्प्रेशन पहुंचेंगे एंड उसके बाद में जब क्लिक्स आएंगे वो होंगे 500,000-1,000 के ऊपर। जब भी हम लोग दोस्तों एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो ये जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, बैकएंड का पार्ट हो गया, SEO का पार्ट हो गया, उसके बाद में यूट्यूब सोशलाइजेशन की जो जितने भी सोशल चैनल्स है वो हम लोग बिल्ड करते हैं तो उसका भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा आगे आने वाले वीडियोज में। एंड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक हिंट टिप मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जब भी हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करते हैं ना तो जो मर्चेंट लिस्टिंग रहती है लाइक जब भी हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो एक टैब आता है लाइक शॉपिंग टैब, एज यू कैन सी हियर, ये जो शॉपिंग टैब रहता है ना ये शॉपिंग टैब में हमारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए होती है मर्चेंट लिस्टिंग दैट एज यू कैन सी ओ हियर। तो ये जो मर्चेंट लिस्टिंग है इसमें भी हमें अपने प्रोडक्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इसका क्या रिस्पांस आया है, क्या इसमें रिजल्ट लाए हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। पर जी एक वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो लोग बात करते हैं कि इतना रिजल्ट आएगा उतना रिजल्ट आएगा इतना ऐसा आता है वैसा आता है, नहीं जब खुद हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब हमें देखने को मिलता है। तो ये रियलिस्टिक रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं लास्ट 1-3 महीने के और आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि SEO कैसे किया जाता है। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, एक प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा था तो ये विकिल का एक विकिल इंटरनेट सिक्योरिटी था 5 यूज़र के लिए 3 साल के लिए। यहाँ पे एज यू कैन सी ये जो नीचे में एक प्लगइन हमारे पास में है दैट इज़ योस्ट SEO। यहाँ पे जैसे देख रहे हो SEO स्कोर अच्छा है, रेडेबिलिटी भी अच्छी है उसकी। तो इस टाइप से हमें फुल्ली डिज़ाइन करना पड़ता है हमारे SEO टाइटल को एंड एज वेल एज मेटा डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्लग है। तो ये कैसे किया जाता है आगे के वीडियोज़ में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और प्योर वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा बिकॉज अभी हो चुका है हमारा एक्सपेरिमेंट सेशन ख़त्म। तो इसके बाद में रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye-bye. And as always, God bless you all. Good night.